आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है जहां आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी है। हर बुधवार के दिन आईसीसी की रैंकिंग आती है, जहां आज भी बहुत बड़ी रैंकिंग आई है, जहां बहुत बड़ी खुशखबरी टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में नंबर वन हो चुकी है। जहां टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में इंडिया की टीम 115 रेटिंग के साथ नंबर वन पे है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम फिसल गई है नंबर दो पे, जिनके रेटिंग पॉइंट है 111। नंबर तीन पे है इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम के रेटिंग 106 है। नंबर चार पे न्यूजीलैंड की टीम है, 100 रेटिंग के साथ नंबर चार पे है। नंबर पाँच पे साउथ अफ्रीका की टीम 85 रेटिंग के साथ नंबर पाँच पे है। अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में भी नंबर वन भारतीय टीम है, जिनको 114 रेटिंग के साथ एक पे है। दो पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के भी 112 रेटिंग है। न्यूजीलैंड तीन पे है, जिनके रेटिंग 111 है, और तीन पे दो टीमें हैं, इंग्लैंड भी 111 है, जबकि पांच पे पाकिस्तान टीम है, जिनकी रेटिंग 106 है। बात करें T20 रेटिंग की तो T20 में भी टीम इंडिया नंबर वन पे आ चुकी है, जहां टीम इंडिया की रेटिंग जहां टीम इंडिया नंबर एक पे बनी है, जहां इंडिया की रेटिंग 267 है। इंग्लैंड दो पे हैं, जिनके 266, तीन पे पाकिस्तान है 258, चार पे साउथ अफ्रीका की टीम है जिनके 256 पॉइंट है, पाँच पे न्यूजीलैंड की टीम है जिनके 252 पॉइंट हैं। ये बड़ी खुशखबरी टीम इंडिया को पहली बार हुई है कि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर वन आ चुकी है, जहां रोहित शर्मा अकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम को नंबर वन पहुंचाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।